प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, ये एक सच्चे शिष्य की पुकार अपने गुरु से मिलाप की होती है। हम सब चाहते हैं कि हम अपने सद्गुरु के अंग संग रहें। हम सब चाहते हैं कि उनकी नज़दीकी हमें मिले। हम सब चाहते हैं कि हम उनसे कभी दूर ना हो। तो जब भी हम अपने आप को अपने सद्गुरु से दूर पाते हैं, तो रूह की गहराई से यही आवाज़ उठती है कि हे मेरे सद्गुरु, आप आइए, मुझे आपकी नज़दीकी मिले और मैं अपने आप को सही और लगा सकूं। दुनिया में जीते हुए दुनिया के इतने आकर्षण हैं जो हमें पिता परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, लेकिन जब भी हम अपने सद्गुरु के अंग संग होते हैं, तो वो क्षण हमें पिता परमेश्वर की ओर लेके जाते हैं। जिंदगी का मकसद यही है कि इंसान अपने आप को सही रूप में जाने, फिर उसके कदम प्रभु की ओर तेजी से बढ़े। हम बहुत सी बार दुनिया की चीजों में गुम हो जाते हैं, लेकिन जो सच्चा शिष्य है वो अपने मकसद को कभी भूलता नहीं। वो जानता है कि हर एक सोच, हर एक बोल, हर एक कार्य का हमें भुगतान करना है, तो उसका जो सोच भी होगा वो अपने सद्गुरु या पिता परमेश्वर का होगा। उसके बोल भी वो होंगे जो उनके शुक्राने के हों, और उसके कार्य भी वो होंगे जो कि हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाएं। हर समय हम सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, कल क्या हो गया, कल की प्लानिंग क्या करनी है, बच्चों के साथ क्या करना है, किसको जाके मिलना है, और फिर दिन भर हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी बच्चों को कहते हैं ऐसे करो, कभी घर में कुछ काम करा रहे होते हैं, कभी ऑफिस में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें बोलते हैं, और फिर कार्य भी तरह तरह के दिन भर करते हैं। तो हमें देखना है कि उनमें से कौन से सोच हैं, कौन से बोल हैं, जो उनसे कार्य हैं जो हमें प्रभु के नज़दीकी दिलवाएंगे। अगर सारे विचार दुनिया के हुए, सारे बोल दुनिया की चीज़ों के हुए, सारे कार्य इस दुनिया के किए, तो फिर हम प्रभु से दूर ही दूर चले जा रहे हैं। हमें सोचना प्रभु के बारे में है, तो प्रभु के बारे में हम कैसे सोचें? सिमरन करके। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है। जब हम सिमरन करते हैं तो हम प्रभु को याद करते हैं, और जब हम सिमरन करते हैं तो हमें मन ही मन करना है ताकि मन शांत हो। ऊंचा नहीं करना, नहीं तो बाहर की तरफ जाएगी आवाज। और इसीलिए ज्यादा समय हमारा सिमरन में गुजरना चाहिए। तो बोल हमें कैसे बोलने हैं? प्रभु के शुक्राने के। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है जिंदगी मेरी, कि हर सांस में मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि पिता परमेश्वर ने चाहा तभी हमें ये जिंदगी मिली है, नहीं तो हम 84 लाख जिया जून में भड़क सकते थे। फिर पिता परमेश्वर ने चाहा तभी हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचे, फिर उनकी दया में रहे, उन्होंने चाहा हमें नाम की देन मिली। तो अपने सद्गुरु का शुक्राना और पिता परमेश्वर का शुक्राना, उसके ही बोल हमसे निकलने चाहिए। वो कार्य कौन से करें जो प्रभु की नजदीकी देते हैं? सबसे पहले तो हम सत्संग में जाएं। जब सत्संग में जाते हैं
तो मन के कई सवालों के जवाब हमें एक ही सत्संग में मिल जाते हैं। हम जिस भी स्थिति में होते हैं, जो जो हमें चाहिए वो उसी सत्संग के जरिए मिलता है। हमारा ध्यान जो बाहर की दुनिया में जा रहा है, हटके प्रभु की ओर जाना शुरू होता है। असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी मिलती है। और फिर दूसरा, भजन अभ्यास करें। जब भजन अभ्यास करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कार्य है। मन जो नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने, वो कोई ना कोई रुकावट डाल देता है। कभी कहेगा ये चीज़ ज़रूरी है, कभी कहेगा वो चीज़ ज़रूरी है, कभी कहेगा वो चीज़ ज़रूरी है। लेकिन हमें अभ्यास करना है, और जब हम अभ्यास करेंगे तो फिर अपने सद्गुरु की मदद से अंदर की दुनिया में हम जा सकते हैं। तो हमारे सोच वो हों जो प्रभु के बारे में हो सिमरन के जरिए, बोल वो हों जो उसके शुक्राने के हों, और कार्य वो हों सत्संगों में जाएं और अभ्यास करें, ताकि हम प्रभु की नज़दीकी को पाएं। तभी आ जा सद्गुरु पॉसिबल है, तभी हम पिता परमेश्वर को अपने अंदर पा सकते हैं। वो तो हमारे अंदर बैठे हैं, बट हमें पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बीच में दीवारें खड़ी हुई हैं। जब सोच प्रभु की बारे होगा, बोल प्रभु के बारे होंगे, कार्य भी प्रभु की ओर होंगे, तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे।